बेंगलुरु में विपक्षी दलों की दूसरी बड़ी बैठक, भाजपा खिलाफ बनाई जाएगी रणनीति। 2024 में जीत पर होगा मंथन, 26 विपक्षी दल होंगे शामिल। विपक्षी बैठक के जवाब में एनडीए की कल बड़ी बैठक, 38 दल शामिल होने का दावा। 2024 में फिर वापसी पर बनाई जाएगी रणनीति, मानसून सत्र पर भी चर्चा संभव। विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित, आज जोधपुर गैंगरेप मामले की रही गूंज, भाजपा आरएलपी विधायकों ने वॉकआउट किया, सदन में कई विधेयकों पर हुई चर्चा। राजसमंद के खमनोर में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में होगा छात्रावास का निर्माण, मुख्यमंत्री ने 2.55 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति। एसएमएस मेडिकल कॉलेज में स्थापित होगा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज एंड ऑप्थोमोलॉजी, 3 मंजिला बेसमेंट पार्किंग और 9 मंजिला भवन का होगा निर्माण। ब्लॉक में महिला ग्राम सेवा सहकारी समितियों का होगा गठन, राज्य सरकार वहन करेगी अंशदान की 10.53 करोड़ की राशि, मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी। पशुपालन अधीनस्थ सेवा के कर्मचारियों को मिलेगा पदोन्नति का एक अतिरिक्त अवसर, मुख्य पशुधन प्रसार अधिकारी के 79 पद होंगे सृजित, मुख्यमंत्री ने दी स्वीकृति। गांधी दर्शन म्यूजियम के संचालन के लिए 49 नवीन पदों का हुआ सृजन, मुख्यमंत्री गहलोत ने दी मंजूरी। अजमेर में यूथ कांग्रेस की संभाग स्तरीय बैठक आयोजित, राजस्थान सह प्रभारी अमृता धवन रही मौजूद, योजनाओं का प्रचार करने के दिए निर्देश। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने अजमेर में की प्रेस वार्ता, नहीं सहेगा राजस्थान अभियान की दी जानकारी। जैसलमेर के पोकरण रामदेवरा दौरे पर राज्य मंत्री महेंद्र गहलोत, समाज बंधुओं और कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत, मंत्री ने की राज्य सरकार की योजनाओं की सराहना। देश भर में सावन के दूसरे सोमवार की धूम, मंदिरों में लगा भक्तों का तांता, बम बम भोले के जयकारों से गूंजे शिवालय। प्रदेश में भाजपा पार्टी ने नहीं सहेगा राजस्थान अभियान किया लॉन्च, प्रदेश सरकार के खिलाफ आमजन को जागरूक करने में जुटी भाजपा, राज्य सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। जोधपुर गैंगरेप को लेकर जयपुर तक आक्रोश, राजस्थान विश्वविद्यालय के बाहर छात्र नेताओं का विरोध प्रदर्शन, बलात्कारियों को फांसी देने की मांग। जोधपुर में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला, जैसलमेर में एबीवीपी ने की आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। चित्तौड़गढ़ भाजपा में देखी आपसी फूट, मेवाड़ के कद्दावर नेता पर बिगड़े उप जिला प्रमुख, पूर्व कैबिनेट मंत्री श्रीचंद कृपलानी का सामने आया वीडियो में पूर्व मंत्री को दे रहे हैं काली गलौज। श्रीगंगानगर में गृह कलेश के चलते देवर ने की भाभी की हत्या, हत्या के बाद आरोपी खुद पहुंचा थाने, पुलिस ने आरोपियों को राउंड अप किया। जोधपुर में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला, धौलपुर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग। सूरतगढ़ जिला बनाने की मांग को लेकर बाजार पूर्णतया बंद, शहर के मुख्य बाजार सहित सभी स्थानों पर दुकानों का पलट का ताला, युवाओं ने चौक पर टायर जलाकर की नारेबाजी। भरतपुर के कुलदीप हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपियों को पकड़ने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने निकाली रैली, सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण महिलाएं पुरुष हुए शामिल। सिरोही में खनन कार्य के दौरान बड़ा हादसा, पिंडवाड़ा में खान के गड्ढे में भरे पानी में डूबा व्यक्ति, हादसे में व्यक्ति की मौत। जयपुर में सोमवती अमावस्या पर श्री गलता जी में हजारों श्रद्धालुओं ने किया स्नान, वहीं दान पुण्य के साथ विशेष पूजा अर्चना का दौर जारी। तीर्थ नगरी पुष्कर में उमड़ा आस्था का सैलाब, भक्तों ने सरोवर में लगाई आस्था की डुबकी, सोमवती अमावस्या पर कार्तिक मास से भी ज्यादा भक्त पहुंचे पुष्कर। सिरोही में श्रावण महीने के दूसरे सोमवार को शिव मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, विशेष पूजा अर्चना कर दिया गया महादेव का जलाभिषेक। सावन के दूसरे दिन हरियाली अमावस पर सीकर के शिव मंदिरों में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब, शिव मंदिरों में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन।
चित्तौड़गढ़ की रेलवे थाना पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, 19 किलो अवैध डोडा चूरा पकड़ा, आरोपी गिरफ्तार। झुंझुनू के सूरजगढ़ पंचायत समिति सभागार में साधारण सभा की बैठक का आयोजन, प्रधान बलवान सिंह की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन कार्य के दौरान तोड़ी गई सड़कों को बनाने के दिए गए निर्देश। बारह में भी दिखा सावन के दूसरे सोमवार को सोमवती अमावस्या के शिवालयों में उमड़ी जन सैलाब, अल सुबह से ही शहर के प्रसिद्ध मनिहारा महादेव मंदिर में दर्शनार्थियों का लगा तांता। झालावाड़ शहर के जिला जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत पर जमकर बवाल, परिजनों ने गायनिक चिकित्सक और लेबर रूम स्टाफ पर लगाया लापरवाही का आरोप। श्रीगंगानगर की रावला पुलिस के अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 18 किलो डोडा पोस्त डंडल सहित तीन आरोपियों का गिरफ्तार, बुलेरो गाड़ी को भी किया गया जब्त। भीलवाड़ा के मांडल थाना क्षेत्र के लोहारिया गांव में तनाव, दो पक्षों में झगड़े के बाद कई लोग घायल, वहीं विरोध में लोहारिया गांव बंद। बीकानेर बाईपास से जोधपुर जा रहे टैंकर में लगी आग, आग बुझाते समय दो कर्मचारी झुलसे, टैंकर से निकले केमिकल की चपेट में आए दोनों। जोधपुर में युवती के साथ गैंगरेप मामला, आरएलपी विधायक नारायण बेनीवाल ने सरकार पर साधा निशाना, कहा इंसाफ तक विरोध जारी रहेगा। कोचिंग सिटी कोटा में नहीं थम रहा आत्महत्या का सिलसिला, एक और कोचिंग छात्र ने फांसी का फंदा लगाकर की आत्महत्या, मृतक 17 वर्षीय पुष्पेंद्र सिंह जालौर का निवासी। पोखरण में जलदाय विभाग की लापरवाही आई सामने, विभाग की ओर से बिछाई पाइपलाइन हुई क्षतिग्रस्त, सैकड़ों लीटर पानी सड़क पर बह रहा। चित्तौड़गढ़ में चलती ट्रेन में चढ़ने से युवक की मौत, घटना कारण स्टेशन पर मची चीख पुकार, पुलिस ने शव को जिला चिकित्सालय में रखवा कर करवाया पोस्टमार्टम। उदयपुर में जिला कलेक्टर ने की स्वास्थ्य सेवाओं की पड़ताल, मरीजों को दी जा रही सुविधाओं की ली जानकारी, हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं को लेकर भी लिया फीडबैक। बहरोड़ में भिवाड़ी पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, 7 साल पहले हुई हत्या के मामले में फरार चल रहे तीन अनामी बदमाश गिरफ्तार, आरोपियों पर 2000 का इनाम रखा गया था। अजमेर में बारिश का दौर जारी, दरगाह के सामने फिर दिखा पानी का तेज बहाव, बहाव के कारण बहने लगे महिला और एक बच्चा, मौजूद लोगों ने बचाई दोनों की जान। श्रीगंगानगर के घड़साना में अखिल भारतीय किसान सभा ने एसडीएम कार्यालय के आगे दिया धरना, सिंचाई पानी की मांग को लेकर दिया गया धरना, प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस जाब्ता रहा तैनात। अजमेर से जन समस्या को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने पैदल रवाना हुए रवि साहू, सेवा दल पदाधिकारी ने साफा और माला पहनाकर गर्मजोशी से किया स्वागत। धौलपुर के नया गांव में चोरों ने बनाया दुकान को निशाना, करीब 20,000 की नकदी पर हाथ साफ, पड़ोस में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद पूरी करतूत। पाली कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष अजीत दर्द ने संभाला पदभार, कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता रहे मौजूद। दौसा में नरेगा मजदूरों का काम का बहिष्कार, जेटीओ अमेट पर चहेतों को काम देने का आरोप, महिला मजदूरों ने नगर परिषद पर किया धरना प्रदर्शन। श्री माधवपुर में श्री राम कथा के समापन है प्रभात फेरी में उमड़े लोग, 7 दिन से चल रही श्री राम कथा का समापन, संतों को दी गई विदाई, भंडारे का आयोजन। इटावा में झमाझम बारिश का दौर जारी, सावन के दूसरे सोमवार को जमकर बरसे मेघ, बारिश से क्षेत्र में खेत हुए लबालब। सुजानगढ़ में करोड़ों की लागत से बने राजकीय अंबेडकर छात्रावास को छात्रों का इंतजार, सच बेधड़क के रियलिटी चेक में छात्रावास में नहीं मिला एक भी छात्र। परिवहन मंत्री ब्रजेंद्र ने भाजपा नेता राजेंद्र भांभू पर साधा निशाना, कहा जनप्रतिनिधियों ने मुस्लिम समाज को सिर्फ वोटों के लिए किया इस्तेमाल। चाकसू में नशा मुक्त अभियान, नशे से आजादी कार्यक्रम का आयोजन, राष्ट्र समर्पित युवा मंच ने युवाओं के बीच पहुंचकर नशे के विषय पर किया जागरूक। सिरोही की स्वरूपगंज पुलिस को मिली सफलता, डोडा पोस्ट तस्करी के फरार चले आरोपी किया गिरफ्तार।
सरदार शहर की धीरासर हाडान स्कूल में शिक्षकों की कमी, शिक्षकों के रिक्त पदों के चलते 247 विद्यार्थियों की पढ़ाई ठप। ग्रामीणों ने स्कूल के ताल पर ताला लगाकर टीसी कटवाने की दी चेतावनी। दौसा में एसीबी की कार्रवाई, बांदीकुई थाने का हेड कांस्टेबल 2500 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार। हेड कांस्टेबल राजेंद्र प्रसाद शर्मा को रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। जैसलमेर में युवती का अपहरण कर जबरदस्ती फेरे लेने का मामला, चारों आरोपियों की हुई जमानत। जमानत के बाद पीड़ित पक्ष को धमकाने का आरोप, पुलिस कप्तान से लगाई सुरक्षा की गुहार। एसीबी की राजधानी जयपुर में बड़ी कार्रवाई, आमेर के रोजता के पटवारी को किया ट्रैप, 50,000 की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। 12 में एबीवीपी का प्रदर्शन, जोधपुर रेप कांड को लेकर किया विरोध, कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जोधपुर में शिवालयों में भक्तों का तांता लगा, सिद्धनाथ महादेव मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, भक्तों ने किया जलाभिषेक। जोधपुर में गैंगरेप का मामला, एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पुलिस ने दो बार किया लाठीचार्ज। रायसिंह नगर में सोमवती अमावस्या पर मेले को लेकर लगा जाम, मेले में आने जाने वाले वाहनों की बनी रेल अंपेल। बाड़मेर के मुंगला में युवक की हत्या मामले ने पकड़ा तूल, मोर्चरी के बाहर आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर परिजनों और ग्रामीणों ने दिया धरना प्रदर्शन। कोटपुतली में ओवरलोड, वाहनों की नो एंट्री के लिए आमजन सहित व्यापारी वर्ग हुआ लामबंद। डाबला रोड से रैली निकाल, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, धरना प्रदर्शन की दी चेतावनी। अजमेर नगर निगम ने एलिवेटेड रोड के नीचे पार्किंग के टेंडर किया निरस्त, व्यापारियों के विरोध के चलते निगम ने दिए निर्देश। जोधपुर में नाबालिग के साथ हुए गैंगरेप के मामले में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने बाड़मेर जिला मुख्यालय पर किया प्रदर्शन, कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष श्रवण सिंह बगड़ी लक्ष्मणगढ़ के दौरे पर, भाजपाइयों ने किया स्वागत, पत्रकार वार्ता में प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर बोला हमला। सीकर में उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया की प्रेस वार्ता, नवलगढ़ रोड पर जलभराव की समस्या को लेकर बोला हमला। सिरोही के राजकीय महाविद्यालय का एनएसयूआई ने किया घेरा, परीक्षा परिणामों को संशोधित करने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। मानसून को देखते हुए जयपुर में रेलवे की महत्वपूर्ण बैठक, महाप्रबंधक विजय शर्मा ने किया अधिकारियों के साथ मंत्रणा, मानसून काल में संरक्षा पर विशेष ध्यान देने के निर्देश। जोधपुर में नाबालिका के साथ रेप का मामला, एबीवीपी ने हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन, राज्यपाल के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। भरतपुर की पॉस्को कोर्ट का अहम फैसला, दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा, 50,000 का जुर्माना लगाया। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष जितेंद्र गोठवाल करौली दौरे पर, नादौती में हुए युवती के मर्डर मामले, पैतृक गांव पहुंचकर परिजनों को बंधाया ढांढस, कार्यकर्ताओं के लिए मीटिंग। धौलपुर के बाड़ी सरमथुरा हाईवे सड़क किनारे सड़क दुर्घटना में मां बेटा घायल, बाइक के आगे गौवंश के झुंड आने से हुआ हादसा। विजयनगर में चोरों के हौसले बुलंद, राजनगर में दिन दहाड़े चैन स्नैचिंग की वारदात, घर के बाहर बैठी महिला से चैन स्नैचिंग की कोशिश, महिला गले में आई चोट। डूंगरपुर में भाजपा सांसद कन कमल कटारा की प्रेस वार्ता, राज्य सरकार पर बोला हमला, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रभु पांड्या सहित अन्य लोग रहे मौजूद। सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया सवाई माधोपुर के दौरे पर, रामद्वार मोक्षधाम का किया निरीक्षण, नगर परिषद अधिकारियों को मौके पर बुलाकर मोक्षधाम का रास्ता ठीक कराने के निर्देश। प्रतापगढ़ के सुहागपुरा में छात्र का शव घर के आंगन में फंदे पर लटका मिला, परिजनों ने आत्महत्या की आशंका जताते हुए प्रकरण दर्ज करवाया। नीम का थाना है, पिकअप गाड़ी ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। टोंक के महर्षि दयानंद सरस्वती नर्सिंग कॉलेज संचालक पर छात्रों के पैसे हड़पने का आरोप, ट्रेनिंग के दौरान सीएचओ से जबरन फॉर्म पर साइन करवाकर ठगी करने का आरोप। सिरोही के रेवदर में नदी में डूबे व्यक्ति का शव बाहर निकाला, 7 घंटे की मशक्कत के बाद शव को निकाला बाहर, ग्रामीण मुआवजे की मांग पर अड़े। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पहुंचे सर्किट हाउस, नहीं सहेगा राजस्थान को लेकर प्रेस वार्ता, प्रदेश सरकार पर बोला हमला। बूंदी के नैनवा में बंसोली पुलिया हुई क्षतिग्रस्त, वहीं क्षतिग्रस्त पुलिया से हो रहे वाहनों का आगमन, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा।
करौली में भाजपा के नहीं सहेगा राजस्थान अभियान का आगाज, कल से पूरे जिले में चलेगा धरना प्रदर्शन रैली और कार्यक्रमों का दौर। राजसमंद जिला मुख्यालय पर भाजपा के जिला पदाधिकारियों की अहम बैठक आयोजित, नहीं सहेगा राजस्थान अभियान को लेकर चर्चा, प्रदेश उपाध्यक्ष चुन्नीलाल गरासिया मौजूद। ऑपरेशन वज्रप्रहार के तहत जयपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आदर्श नगर के हिस्ट्री शीटर आनंद शांडिल के कैफे पर चला बुलडोजर। अजमेर में रोडवेज बस स्टैंड पर मारपीट, मारपीट का वीडियो आया सामने, खाने की बात को लेकर हुआ विवाद। झालावाड़ के भवानी मंडी में शिक्षकों की मांग को लेकर स्कूल पर जड़ा ताला, आश्वासन के बाद माने ग्रामीण, दो घंटे बाद खोला ताला। झालावाड़ के गढ़ परिसर स्थित भवानी नाट्यशाला कलेक्टर ने किया जायजा, कलेक्टर आलोक रंजन ने पर्यटन विकास समिति के पदाधिकारियों को दिए उचित दिशा निर्देश। बहरोड़ में कई सालों से बंद मकान में व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी, सैकड़ों की संख्या में लोग हुए एकत्रित, ग्रामीणों ने नीमराणा पुलिस को दी सूचना। कोटा जिले के ग्रामीण इलाकों में बिजली संकट को लेकर भाजपा सड़कों पर उतरी, पूर्व विधायक हीरालाल नगर की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने नयापुरा बिजली विभाग कार्यालय पर किया प्रदर्शन। टोंक में भाजपा का नहीं सहेगा राजस्थान कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए राष्ट्रीय सचिव अलका गुर्जर ने कांग्रेस सरकार पर जमकर बोला हमला, सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर उठाए सवाल। जालौर के सायला में पुलिस और डीएसटी टीम की कार्रवाई, अवैध डोडा पोस्ट से भरा टैंकर पकड़ा, दो आरोपी गिरफ्तार। सिकराय के लोगों को जल्द मिलेगी उपजिला अस्पताल की सौगात, राजस्व विभाग ने अस्पताल के लिए जमीन चिकित्सा विभाग को सौंपी। धौलपुर में भाजपा कार्यालय पर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया की प्रेस वार्ता, नहीं सहेगा राजस्थान कैंपेन को लेकर चर्चा। झुंझुनू आते ही काम पर लगे कांग्रेस जिला अध्यक्ष दिनेश, कांग्रेस पार्टी कार्यालय के लिए जमीन को लेकर की चर्चा, एडीएम जेपी गौड़ व आयुक्त दिलीप पूनिया के साथ की चर्चा। अनूपगढ़ में बैंक लोन माफ करवाने की मांग को लेकर उपखंड कार्यालय के समक्ष धरना, समाजसेवी शमशेर सिंह सहित अन्य ग्रामीणों ने लगाया धरना। राजसमंद के देवगढ़ में पुलिस का अमानवीय चेहरा आया सामने, पुलिस ने दो यात्रियों की पिटाई, बच्चे के सामने अपराधियों की तरह घसीटते रहे पिता को।